खेल बेहतरीन खिलाड़ी को बड़ी पहचान दिलाता है और करोड़ों युवाओं के लिए एक मिसाल बनाता है। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया। अब तक ओलंपिक खेलों में यह भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो आज हम बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों में हैं नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, मीराबाई चानू सिल्वर मेडलिस्ट, रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट, पीवी सिंधु ने भी ब्रांज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। तो वहीं लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पुनिया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रांज मेडल जीतकर अपने देश का नाम बुलंदियों पर किया। ऐसे ही जाबाज खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए, उनका हौसला बुलंद करने के लिए देश हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अवार्ड नामित लोगों को देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन थे मेजर ध्यानचंद, जिनकी याद में आज हम इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उन्हें हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाता है। उनको हॉकी का जादूगर कहने के पीछे का कारण उनका मैदान पर प्रदर्शन है। उन्होंने साल 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। मेजर ध्यानचंद की कामयाबी का किस्सा वहीं खत्म नहीं होता। ध्यानचंद ने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए। भारत सरकार ने ध्यानचंद को 1956 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसलिए उनके जन्मदिन यानी 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेल एक शारीरिक क्रिया है, हालांकि खेल एक ऐसी क्रिया है जिसे विशेष तरीके से खेला जाता है, या कह सकते हैं कि एक अलग तरीके से किया जाता है। इसमें कई नियम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। हमें हमेशा अलग अलग प्रकार के खेल खेलते रहना चाहिए, क्योंकि खेल खेलने से हमें हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। कई लोग समझते हैं कि स्पोर्ट्स का अर्थ सिर्फ शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती है, लेकिन वास्तव में स्पोर्ट्स का अर्थ इससे कहीं अधिक है। स्पोर्ट्स किसी इंसान के जीवन में उतना ही आवश्यक है जितना कि शिक्षा। खेल का तात्पर्य ना सिर्फ शारीरिक व्यायाम है, बल्कि यह छात्रों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का भी काम करता है। और इसी वजह से भारत में एक कहावत भी काफ़ी प्रचलित है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसका अर्थ होता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन का होना भी ज़रूरी है। भारत सरकार ने भी विद्यालयों में स्पोर्ट्स की गतिविधियों को अनिवार्य कर दिया है। अब हर बच्चे का किसी न किसी खेल में भाग लेना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। यह बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि वह सही रूप से विकसित हो सकें और उनमें खेल भावना, सच्चापन, हिम्मत और टीम वर्क की भावना जागरूक हो सके। किसी ने सच ही कहा है कि छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी।
खिलाड़ी होता है और हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वही खिलाड़ी होता है। जय हिंद, जय भारत।